रोड देखो कैसे का, जब खेतों में से जाना पड़ेगा गाड़ी से, जितनी गाड़ी की साइज है वही रोड है। चल रहे हैं हम गाइस, खेत आ गए। फिर आप देखो खेत आ गए, पत्ती पत्ती रोड है, मेड़ है, मेड़ गांव में मेड़ कहते हैं ऐसी रास्तों को। देखियो ये देखो भाई, धान के खेत हैं, मोड़नी पड़ेगी भाई गाड़ी। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है। गाड़ी यहाँ से चढ़ेगी भाई, गाड़ी गन्ने के खेत में से, ये देखो चढ़ा दी भाई, चढ़ा दी, चढ़ा दी, चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई गाड़ी। देखो खेत ही खेत है भाई, पगडंडियाँ देखिए गाइस, पगडंडियाँ। और जहाँ तक आप देखोगे, जहाँ तक आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे। देखो क्या लाजवाब खेत हैं, देखो क्या खेती हो रही है, दोनों साइड, दोनों साइड हो रही है खेती। चलिए चल रहे हैं हम आगे की ओर जा रहे हैं। बड़ा कठिन है यार रास्ता, देखो धान बड़ी लाजवाब लगी है धान। आगे हैं बाग, देखिए काफी खूबसूरत है जगह, और खेत खलिहान पगडंडियाँ छोटी छोटी, बैलगाड़ी के रास्ते पे गाड़ी ले जा रहे हैं भाई। मज़ा आ रहा है, आनंद अलग आ रहा है। ये देखिए आलू, ये देखो रोड कैसे हैं, फिसल रही है गाड़ी, देखो इधर से फिसली है गाड़ी, देखो फिसल रही है गाड़ी, ऐसे गाड़ी में से लाया हूँ, ये खड़ी है गाड़ी देखो रोड पे। सामने आम आपको नज़र आ गए होंगे, ये देखो, और गली बड़ी ख़तरनाक है। और बागों के मैं अंदर इंटर कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चढ़ा रहा हूँ, मैं गाड़ी चढ़ रही है भाई, तो फिलहाल गाड़ी तो चढ़ गई है, देखो ये देखिए चढ़ गई गाड़ी, देखिए चढ़ गई गाड़ी। ये देखो आम लटक रहे हैं सामने, इसको हम शीशा खोल के यहीं तोड़ ही लेते हैं, तोड़ लेती हूँ। हम तो कैलाश भाई के पास आ गए हैं, अक्सर आते रहते हैं बाग में, आ चुके हैं आमों के बाग। अरे अंकल हैं यहाँ पे, आप यहीं रहते ना, तो बैठते हैं। आप कैलाश भाई कह रहे हैं आराम से बैठो यहाँ पे, क्योंकि अभी सर भी आएंगे, थोड़ा लेट होंगे वो, गाड़ी में लगे आज काफ़ी ज़्यादा खिंचाव पड़ा है गाड़ी का, काफ़ी ज़्यादा, तो चलिए बैठते हैं। जो काला हो जाता है ये करते नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत होती है, ये अपने आप ही हो जाता है, बरसात से होता है काला। देखो ये बरसात से ही काला हो जाता है आम, लोग कहते हैं ना काला क्यों है, काला ये अपने आप ही होता है। ये देखो ये हो गया, लगा हुआ काला काला सा पड़ जाता है यहाँ पर, चोसा है ना, ये चोसा आम है बढ़िया। देखिए गाइस, जहाँ पे मजदूर तोड़ रहे हैं आमों को, पैकिंग कर रहे हैं, वहीं पे मैं आ चुका हूँ। काफ़ी संख्या में आम हैं और काफ़ी फले हैं। आम देखो ये फले हुए आम, ये देखो बच्चे तोड़ रहे हैं यहाँ पे, देखो देखो कहाँ चढ़ा हुआ है ऊपर। अब बताओ चार आम काट देखो, कैरेट चार आम है, ये देखो लोंडा खा रहा है, ये देखो कहाँ कहाँ चढ़ा हुआ ऊपर, वो जल्दी तोड़ दो यानी चढ़े हुए हैं पेड़ पे, चलते हैं अपन भी बैठते हैं आराम से। काफ़ी लंगड़ा है, पूरा लंगड़ा आम। हम और किसान जो भैया हैं, आम वाले भैया पेड़ के नीचे खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सांप भी आम को खाता है। सांप खाता है, कौवा तो समझ में आता है, कौवा तो खाता होगा। हाँ सांप खाता है, सांप भी खाता है, कट्टो भी खाता है, गिलहरी भी खाती है। हाँ गिलहरी तो खाती है, सांप भी आम के पेड़ पे चढ़ के आम खा रहा है, तो फिर तो कमाल है। चलो भैया पता, सावधानी भर रख, नहीं तो पता चला कहीं होगा। मतलब है ये कौन सा सांप है, लंबा होगा ये, नहीं कौन सा आम है, चोसा, चोसा आम है। ये देखो क्या अभी पका हुआ एकदम, तो आए हुए बाग में देखते हैं, ढूंढते हैं आम के पेड़। जो आम से अपने आप पकता है वो आम में टेस्ट अलग होता है, स्वाद अलग होता है, तो वही ढूंढ रहा हूँ। वो बाग वाले भैया भी बोले हैं मेरे से कैलाश कि आम के नीचे पड़े होंगे, वो रख लेना बच्चों के लिए, तो ढूंढ रहा हूँ मैं। वो पेड़ है ये, अभी चोसा का टूटा नहीं है, ये देखो मैं पका ढूंढ रहा हूँ, पका नहीं मिल रहा। ये देखो फले हुए हैं, ये भी फला हुआ है, देखता हूँ नहीं पेड़ में अपने आप पक जाता है। वो वाला आम चाहिए, ढूंढ रहा हूँ, नहीं है, नहीं है,
और देखो लटके हुए नीचे, वहाँ देखता हूँ, ये पीला सा दिख रहा है मुझे। पर सावधानी बरतनी होती, कीड़े मकोड़े सांप भी होते हैं घास में। देखो कितना नीचे लटक रहा है, ये पक गया है, ये दब रहा था तो मैंने तोड़ दिया इसे। ये नहीं है, लटक रहे हैं देखो दाएं बाएं। एक हमारे ड्राइवर साहब थे, हमारे साथ थे, वो दोस्त थे, तो आम के पेड़ के नीचे सो रहे हैं। देखो ये देखो सो रहे हैं यहाँ पे आम, देखो तो अभी तक नहीं ये देखो यहाँ सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं। घंटा पहले ये देखो क्या आम लगा हुआ है, कुछ अभी नहीं पता चला। देखो हाँ देखिए कितना फला हुआ है, लास्ट 2 बजे तक देखिए, 2 बजे कुछ से कुछ आ जाएगा अपडेट, काफी फला हुआ है। तो हम बैठते हैं खाट चारपाई पे बैठते हैं आराम से। संपर्क में जैसे धान की खेती, कितनी खूबसूरत धान की खेती है, काफ़ी खूबसूरत है। 6 एकड़ में है ये, देखो उधर गन्ना लगा हुआ है। देखो उमस बहुत है, गर्मी बहुत है। चलिए गाइस यहाँ पे टैंकर भी है पानी का है, नहा लेते हैं, थोड़ा गर्मी भी काफ़ी है, तो चलिए चलते हैं नहाते। इसमें नहा रहा था मैं अभी, काफी मजा आ गया, गर्मी बहुत हो रही थी, उमस ज्यादा लग रही थी, उमस तो मैं तो इसमें नहा लिया। बहुत ठंडा पानी है, मजा आ गया। चलिए तो अभी चलते हैं नहा धो के कपड़े पहन के, फिर थोड़ा बाद का आम का थोड़ा व्यू लेंगे, तो चलिए चलते हैं। इस कितने प्यारे आम हैं भैया, काफ़ी खूबसूरत हैं। देखो आम, ये आम तो गजब का फला हुआ है, चौसा है। देखो आपको ले चलता हूँ वहाँ पे आम टूट रहे हैं, वहाँ पे ले चलते हैं, कौन सा आम तोड़ रहे हैं देखते हैं आम कौन सा। ये देखो आम फला हुआ है, एक पका हुआ है, इसमें पका भी है भाई आम, ये पके हुए तोड़िए भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं तोड़ रहे हैं हम, देखते हैं पका हुआ थोड़ी भाई, देख दो पके हुए लगे हुए हैं। तोड़ तोड़ तोड़, ये देखो कैच कर लिया, मार मार दिया। ओहो नहीं गिरा रहे, नहीं गिरा, वो आम पका हुआ लगा हुआ, देखो ये पका हुआ है ये आम, निशाना मारा लड़का, फिर दोबारा मार निशाना, नहीं गिरा, ऊपर मारता हूँ ठीक है। आ गया ये काम। वैसे खेती भी कोई हरेक कोई नहीं कर सकता, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी आम के बाग भी कम से कम 3-4 महीने रखवाली करनी पड़ती है, तब जाके आम तैयार होता है। वही हाल है यहाँ पे, ये काफ़ी उमस गर्मी सब चीज़ झेलनी पड़ती है किसान को। वो कितने फले हुए हैं आम, ये देखो कितने सारे लग रहे, नीचे तक फले हुए हैं, देखो नीचे तक। इस टाइम ज़्यादा नहीं घूम रहा हूँ क्योंकि उमस ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, कीड़ा मकोड़े ज़्यादा हैं ज़्यादातर, तो मुझे डर लग रहा है सिर्फ सांप का। ये देखो ये, तो इसलिए मैं घूम नहीं रहा दाएं बाएं, क्योंकि पिछली बार मैं बच गया था, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए घूम नहीं रहा। देखो ये भी देखो आम घूम लगे हुए इधर, ये देखो तो घूम रहा हूँ काफ़ी, 300 पेड़ हैं, 300 पेड़ में घूमना नामुमकिन है। ऐसे ही जो फले हुए हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये देखो ये भी छोटा सा पेड़ है लेकिन तैयार हो रहा है, ये भी फलने लगेगा अगले साल तक। उधर फले हुए देखो, आसमान एकदम नीला है, देखो हाँ देखो कितना प्यारा आसमान है, काफ़ी खूबसूरत आम है भैया, खूबसूरत के साथ साथ मीठा भी है, फले हुए एकदम दबा दब। चलिए गाइस तो हमारा तो अब जाना हो गया है, दिल्ली वापस ही जा रहे हैं, पर आम बहुत काफ़ी फले हुए भाई, असली खेती इसी को कहेंगे भाई हम तो। चलिए भैया चल रहे हैं गाइस, बड़ा मज़ा आया धान का खेत, देखो कितना भैया आम, देखो बहुत आनंद आया हमको यहाँ पे, बहुत आनंद आया, इन भाइयों लोगों ने खूब आम खिलाया हमको। देखो ये देखो रखे हुए हैं, खूब रखे हुए हैं, 2 ले जा रहा हूँ,
और इन भाई साहब ने भी हमें खूब सारे आम खिलाए, पत्थर वगैरह बैठे तुम्हारे धोड़ांगे हम तुम्हारे धोड़ांगे न बेटा। हाँ कौन सी जगह पे? ठीक ठीक परी चौक पे। हाँ चलिए नोट गाड़ी स्टार्ट हो गई है, हमें भी अपनी स्टार्ट करता हूँ गाड़ी, बैठ गए काम कर रहे हैं हम। चलिए चल रहे हैं, अभी गाड़ी जाएगी, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी, काफ़ी उमस है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ दिल्ली वापसी, आया था हसनपुर बाग, काफ़ी सारा व्यू लिया, काफ़ी सारा एंजॉय किया, काफ़ी सारे आम खाए, मज़ा भी आया। देखिए आसमान एकदम नीला है, देखो ये खड़ी गाड़ी। चलिए हम चलते हैं, बाय बाय बाग, बाय बाय बाग, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया, तो चलिए चलते हैं। ए भाई साहब चल रहे हैं, काफ़ी भारी चीज़ चल रही है भाई, गाड़ी वजन तो हो गई। गाड़ी तो एक गुजारी आगे और मैं पीछे हूँ।